भाड़ौती में आयोजित शैक्षिक रक्तदान शिविर में युवाओं ने दिखाया उत्साह। 40 यूनिट ब्लड का हुआ संग्रह। मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के पास में गुरुवार को स्वर्गीय गुलाम देव धर्मपत्नी विरदी चंद की पांचवी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप सवाई माधोपुर के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया प्रभारी कालूराम मीणा जोलंदा ने बताया कि कस्बे के भीतर लालसोट कोटा मेधा हाईवे पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाड़ौती में सुबह 10 बजे से आयोजित शिविर में युवाओं ने खासा उत्साह दिखाते हुए बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। रक्तवीरों एवं उनके साथ आए परिजनों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए रक्तदान क्यों करना चाहिए इसकी समझ विकसित की, साथ ही आने वाली पीढ़ी को रक्तदान के लिए कई सुझाव भी दिए। रक्तदान कार्यक्रम में महिलाओं ने भी खासी भागीदारी निभाई। ग्रुप के मीडिया प्रभारी कालूराम मीणा ने कहा कि रक्तवीरों को मोटिवेट करते हुए कहा कि वर्तमान में जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई घायल होकर इलाज के लिए अस्पतालों में आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए खून की जरूरत होती है। कैंसर के मरीजों को भी खून की जरूरत होती है। कुछ मामलों में प्रसव के दौरान चिकित्सा के लिए माताओं को रक्त देना आवश्यक होता है। इसको लेकर आम नागरिक को रक्तदान के प्रति जागरूक होकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शिविर में कुल 40 यूनिट ब्लड का संग्रह हुआ, जिसमें 25 रक्तवीरों ने अपने जीवन काल में पहली बार डोनेट किया। इस विष्णु साहू, नरेंद्र साहू, हंसराज साहू, रामहरि मीणा, फैजल खान, राम सिंह गुर्जर, गुरुमुख सिंह, रजनी साहू, शंपत साहू, तुलसीराम साहू, सिराज खान, अजय साहू, दिनेश सैनी, विजेंद्र कंडेरा, राकेश कंडेरा, मिस्त्री दीपक गर्ग, चायवाला मुकेश, हरिचंद, गणेश साहू, विजय कुमार साहू, सतीश पृथ्वीराज, रामेश्वर, आलिम खान, मुकेश सोनी, सत्यनारायण जागिड़, बुद्धि प्रकाश, जगदीश साहू, विकास कुमार मीणा, सागर मीणा, समस्त ग्रामवासी इत्यादि कार्यकर्तागण शिविर स्थल पर मौजूद रहे और शिविर व्यवस्था में महती सहयोग प्रदान किया। कार्यकर्ताओं में शामिल जिन जिन युवाओं ने रक्तदान किया उनका माल्यार्पण कर तथा ब्लड दान करने वाले दूसरे रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।